हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में एक लेटर कैसे टाइप किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलना पड़ेगा। स्टार्ट में जाके आप नीचे देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का पैकेज सर्च करेंगे। यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 जो हम यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमाइज करके विंडो को लॉन्च कर लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। और पोस्ट कोड भी डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम पे लेफ्ट साइड से है अलाइन्ड। इसको राइट अलाइन कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं, अब आप जैसे देख रहे हैं ये राइट अलाइन्ड है, हमें इसको लेफ्ट अलाइन करना है। तो वापस यहाँ पे जाके आप इसको लेफ्ट लाइन कर सकते हैं या कंट्रोल एल के द्वारा भी आप इसको लेफ्ट लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आता है आपका सब्जेक्ट जो कि है, मान लीजिए आप रेजिग्नेशन लेटर भेज रहे हैं, अब ये लेटर आप रेजिग्नेशन लेटर को आप सेंट्रल लाइन कर सकते हैं और बोल्ड कर सकते हैं, साथ में इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। एंटर करेंगे, ये इस टाइम सेंटर अलाइंड है। यहाँ पे आपको जाके इसको लेफ्ट अलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड एंड हाइलाइटेड आ रहा है। तो आपको रिटर्न करने के लिए इसकी कोई इस्तेमाल करें जिससे इसकी सारी फॉर्मेटिंग जो है नल हो जाएगी। एंटर करें, अब आप देख सकते हैं कि ये लेटर थोड़ा सा लेंथी है और ये अलाइनमेंट इसकी सेट नहीं है, तो इसको जस्टिफाइड अलाइन करें। यहाँ जाके और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने रिगार्ड्स टाइप कर सकते हैं। और फिर अपना नाम और सिग्नेचर, जो कि अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करने हैं तो इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में जाके सिग्नेचर को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके सिग्नेचर है, इसको रिसाइज करके आप यहाँ डाल सकते हैं। देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से एक लेटर टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। इस लेटर को आप सेव कर सकते हैं। या डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, कंट्रोल पी करके आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें। आपको हम ऐसी ही और वीडियोस और जानकारियां आगे भी देते रहेंगे। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।